अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेमोना अज़र। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही इजी है, जो आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं या शाम को टी टाइम में बच्चों को स्नैक के तौर पे दे सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब इसको बनाना। सबसे पहले हम लेंगे चिकन नूडल्स, 3 अदद मैंने 3 पैकेट लिए हैं कनौर चिकन के, और 3 ही क्यूब्स लिए हैं ये स्लाइस चीज़ के, और मैंने ये ऑलिव ऑयल के थोड़े से पीस और हाफ टमाटर लेके उसको स्लाइस किए हैं, और ये अंडे लिए हैं 6 अदद। अंडे हम जो है तोड़ के एक बाउल में डालेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। किसी बीटर के साथ बीट कर लें इसको, या चम्मच की मदद से कर लें आप इसको, और इसी में फिर हम बाकी मसाला ऐड करेंगे। ये अंडों को अच्छी तरह हम फेंट लेंगे। अब जो कनौर का नूडल्स में से मसाला निकलता है वो मैंने बॉयल करते वक्त नूडल्स में नहीं ऐड किया, वो मैं अंडे में डाल के इसको अच्छी तरह मिक्सचर को रेडी करूँगी। ये 3 पैकेट मैं इसी में ही ऐड कर रही हूँ। और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा जो है तकरीबन रेडी हो चुका है। अब मैंने ये एक बाउल में नूडल्स बॉयल करके अच्छी तरह ज़्यादा बॉयल किए हैं, उनको एक बाउल में डाला है, और अब इसमें हम 2 बड़े स्पून जो हैं वो ऑयल के ऐड करेंगे, और इसी में जो मिक्सचर रेडी किया है अंडे और नूडल्स का मसाला वो इसमें डालकर हम अच्छी तरह इसको भी मिक्स करेंगे। एक जैसा मिक्स करना है ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं या ये नूडल्स इकट्ठे हुए हैं ये अलहदा अलहदा हो जाए और अंडा अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। ये मेरा मिक्सचर जो है रेडी हो गया है। तो अब मैंने पैन को चूल्हे पे गरम किया है, इसमें ऑयल नहीं डाला, और क्योंकि इसमें ही नूडल्स में ही ऑयल पहले से ऐड कर चुकी हूँ, तो ये ऐसे ही हम इसको पैन में फैला देंगे। ये हमारा रेडी हो रहा है एग विद नूडल्स पिज़्ज़ा। बच्चों को पिज़्ज़े का बहुत शौक़ होता है, इसलिए मैंने ये रेसिपी ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बनाई है ताकि उनकी पिज़्ज़े की फरमाइश भी पूरी हो जाए। ये हमने जो स्लाइस कट किए थे टमाटर के वो मैंने गार्निश के लिए लगा दिए हैं, और ऑलिव भी गार्निश के लिए। आप इसको सेट कर सकते हैं, आप थोड़े ज़्यादा भी लगा सकते हैं, बच्चे कुछ नहीं भी खाते, ये उनको नहीं अच्छे लगते, तो इसलिए मैंने कम ही बस लगाया है। तो चीज़ हम लेंगे उसको आप क्रश करके डाल सकते हैं। मेरे पास ये स्लाइस थे अभी, तो मैंने ये स्लाइस को भी हाथ की मदद से थोड़ा छोटा छोटा करके ही ऊपर डाल दिया है। अगर आपको क्रश करके फैलाना है पिज़्ज़े की तरह तो आप वैसे भी इसको फैला सकते हैं। मैंने सारा नहीं फैलाया क्योंकि मुझे कहीं कहीं चीज़ जो है उस चाहिए थी, इसलिए ये देखिए 3 स्लाइस थे, तीनों को मैंने छोटा करके ऊपर फैला दिया पिज़्ज़े पे, और हमने कोई मसाला और नहीं ऐड किया। जस्ट बाद में हम गार्निश के तौर पे ओरिगानो यूज़ करेंगे, अगर वो है तो यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, जस्ट वो फ्लेवर सा थोड़ी खुशबू सी आती है उसकी, बहुत अच्छी लगती है वो भी। ये मैंने चीज़ सारी ऐड कर दी है, ये देखिए ज़बरदस्त लग रहा है। पैन में इसको मैंने अच्छी तरह फैला दिया, ये हल्के चूल्हे पे मैंने रखा है, इसको बिल्कुल ही लो है,
आँच, ये ओरिगानो हम डालेंगे अब ऊपर। ऐसे ही मैंने ये हाथ से छिड़काव कर दिया इसका, तो आप भी ऐसे करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए है ख़ास तौर पे, क्योंकि मसाला इसमें मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया, जस्ट जो नूडल्स का मसाला है वही है। अब इसे हम, ये बिल्कुल रेडी हो गया, तो मैंने अब इसको स्टीम के लिए रख दिया है 10 मिनट के लिए हल्के चूल्हे पे। आफ्टर 10 मिनट्स ये देखिए बिल्कुल हमारा पिज़्ज़ा जो है रेडी हो चुका है। ये एग नूडल्स पिज़्ज़ा है, आप बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, मेरी ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।